स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 2.36 फ्रॉम पेज नंबर 63 ऑफ दी सॉल्यूशंस है ठीक है तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए मोलर मास 140 ग्राम पर मोल वाज डिसॉल्वड इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी मोलर मास 180 ग्राम पर मोल द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड टू बी 500 टॉर कैलकुलेट दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड इट्स वेपर प्रेशर इन दिस सोल्यूशन इफ़ देपर प्रेशर ऑफ दोल्यूशन इज फोर सेवेंटी फाइव टोर ठीक है आपके पास दो लिक्विड गिवन है लिक्विड ए और लिक्विड बी ठीक है लिक्विड ए जो है उसका एक्चुअल मास कितना प्रेजेंट है हंड्रेड ग्राम है और जो लिक्विड बी है उसका एक्चुअल मास थाउजेंड ग्राम है लिक्विड ए का मोलर मास वन फोर्टी ग्राम पर मोल दिया हुआ है और लिक्विड बी का मोलर मास वन एटी ग्राम पर मोल दिया है ये कह रहे हैं कि जो लिक्विड बी है उसकी प्योर स्टेट में मतलब कि प्योर लिक्विड बी जब आप हंड्रेड परसेंट लोगे तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो फाइव हंड्रेड टॉर है ठीक है आपने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए बताना है कि आपके पास जो हंड्रेड परसेंट प्योर स्टेट है लिक्विड ए की उस टाइम पे वेपर प्रेशर कितना आ रहा है और साथ में ही आपने लिक्विड ए का सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कितना आ रहा है वो बताना है जब हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दूशन फोर सेवेंटी फाइव गिवन है, राइट तो ऑब्वियस बात है कि अब हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज होगा यहाँ पे रॉट्सला वाला सो आई कैन से दैट वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन ठीक है वो किसके इक्वल आता है हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी अब वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन ठीक है है ये ये हमारे पास गिवन नहीं है, ये तो हमने फाइंड आउट करना है ना ही वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन सॉल्यूशन गिवन है तो अब हमें ये जो फॉर्मूला है इसे भी मॉडिफाई करना होगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन वो किसके इक्वल आता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन इट्स प्योरेस्ट स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए ठीक है और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन सोलूशन वो किसके इक्वल आएगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन इट्स प्योरेस्ट स्टेट इन टू इट्स मोल फ्रैक्शन राइट तो अब ये जो वैल्यूज हैं ये हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं सो so, हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या होगा पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी बन जाएगा राइट right? अब हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है हमारा फर्स्ट टारगेट है कि हमने पी ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है राइट सो पी ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू गिवन है हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है दैट इज 475 सेवेंटी फाइव टोर राइट और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन इट्स प्योरेस्ट स्टेट गिवन है दैट इज फाइव हंड्रेड टोर लेकिन मोल फ्रैक्शन हमारे पास ना तो लिक्विड ए की गिवन है ना ही लिक्विड बी की गिवन है तो पहला टारगेट हमारा क्या है कि हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है राइट सो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा एक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी हो जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन जो है ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास ए और बी लिक्विड मिला के बना रहे हैं राइट right? हम साथ में एक्स बी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स बी फाइंड आउट करने का भी सेम ही फॉर्मूला होगा एन बी बाय एन ए प्लस एन बी या फिर हमारे पास एक और तरीका होता है हमें पता है कि हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है जितने भी लिक्विड प्रेजेंट है हमारे पास इन सॉल्यूशन इक्वल टू वन आती है दैट मींस एक्स ए प्लस एक्स बी जो है वो किसके इक्वल होगी वन के इक्वल होगी हमने फाइंड किसकी करनी है एक्स बी की फाइंड आउट करनी है सो एक्स बी इक्वल टू वन माइनस एक्स ए आ जाएगी इससे थोड़ा इजीली आप मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी फाइंड आउट कर सकते हो सो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है कि हमने एक्स ए फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स देखने होंगे सो एन ए एन ए कैसे फाइंड आउट होगा एक्चुअल मास ऑफ लिक्विड ए ठीक है एक्चुअल मास ऑफ लिक्विड ए कितना प्रेजेंट है वो देखोगे आप डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ लिक्विड ए सो मोलर मास ऑफ लिक्विड ए आ जाएगा राइट सो एक्चुअल मास हमारे पास कितना है ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था 100 ग्राम है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ लिक्विड ए कितना है दैट इज 140 ग्राम पर मोल है सो so, ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया ये जीरो आप इसके साथ कैंसल कर दोगे 10 डिवाइडेड बाय 14, आपका आंसर कितना आएगा जीरो डिनोमिनेटर में मोल इनवर्स है न्यूमरेटर में जाके ये मोल हो जाएगा सो यहां पे मोल आ गया अब आप एन बी फाइंड आउट करोगे एन बी का भी सेम फॉर्मूला होगा एक्चुअल मास ऑफ लिक्विड बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ लिक्विड बी बी अब एक्चुअल मास ऑफ लिक्विड कितना था थाउजेंड ग्राम था राइट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ लिक्विड बी हमारे पास वन एटी ग्राम पर मोल गिवन था सो so, ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया राइट right? ये जीरो आप इसके साथ कैंसिल कर दोगे अब हंड्रेड डिवाइडेड बाई एटीन दैट इज फाइव पॉइंट फाइव फाइव सिक्स आ गया डिनोमिनेटर में मोल इनवर्स है न्यूमरेटर में जाके ये मोल हो जाएगा राइट right? अब नेक्स्ट टारगेट है हमारा कि हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन दी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं सो so, वो क्या होगा एन ए प्लस एन बी ठीक है एन ए की वैल्यू जीरो पॉइंट सेवन वन फोर है प्लस हमारे पास एन बी की वैल्यू कितनी है फाइव पॉइंट फाइव फाइव सिक्स है यूनिट्स मैंने कॉमन ले लिए, दैट इज मोल तो जब आपने जीरो पॉइंट सेवन वन फोर प्लस फाइव पॉइंट फाइव फाइव सिक्स किया आपका आंसर कितना आ गया सिक्स पॉइंट टू सेवन मोल अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है कि हमने एक्स ए फाइंड आउट करना है दैट मीन्स कि मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए फाइंड आउट करनी है एक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड ए ठीक है वो कितने हैं जीरो पॉइंट सेवन वन फोर मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन दी सॉल्यूशन वो कितने हैं सिक्स पॉइंट टू सेवन मोल सो मोल के साथ मोल कैंसिल कर दिया 0.714 डिवाइडेड बाय 6.27 ये आपको कितना आंसर देगा 0.114 राइट मोल फ्रैक्शन हमारे पास यूनिट लेस आती है अब एक्स बी की वैल्यू हमें जो फॉर्मूला पता है उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स ए एक्स ए की वैल्यू 0.114 आई हुई है सो so, 1 माइनस 0.114 योर आंसर इज राइट नाउ अब हम फाइनल फार्मूला जो है उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन प्योर स्टेट निकालेंगे सो so, फार्मूला क्या था हमारे पास पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट इनटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इनटू एक्स बी सो पी टोटल कितना है फोर सेवेंटी फाइव टोर गिवन है राइट right? और पी ए नॉट हमने फाइंड आउट करना है एक्स ए की वैल्यू कितनी है आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा सकते हो ताकि कंफ्यूजन कम हो सो एक्स ए की वैल्यू जीरो पॉइंट वन वन फोर है नाउ पी बी नॉट पी बी नॉट की वैल्यू हमारे पास फाइव हंड्रेड टोर गिवन है इंटू एक्स बी की वैल्यू जीरो पॉइंट एट एट सिक्स गिवन है सो so, अब हमने इसे सॉल्व करना है सो फोर सेवेंटी फाइव टोर इक्वल टू जीरो पॉइंट वन वन फोर पी ए नॉट आ गया प्लस फाइव हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट एट एट सिक्स ये कितना आ जाएगा दैट विल बी फोर फोर्टी थ्री टॉर राइट अब ये जो फोर फोर्टी थ्री टॉर है यहाँ पे प्लस का है जब मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा जीरो पॉइंट वन वन फोर पी ए नॉट इक्वल टू फोर सेवेंटी फाइव टोर माइनस फोर फोर्टी थ्री टोर आ गया राइट सो फोर सेवेंटी फाइव टोर माइनस फोर फोर्टी थ्री टोर आपका आंसर कितना आ रहा है थर्टी टू टॉर आ रहा है राइट right? और इस साइड जीरो पॉइंट वन वन फोर पी ए नॉट आ गया अब आप पी ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे जीरो पॉइंट वन वन फोर मल्टीप्लीकेशन में है जब आप इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा सो थर्टी टू टॉर डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट वन वन फोर बन गया तो जब आपने थर्टी टू को जीरो पॉइंट वन वन फोर के साथ डिवाइड किया योर फाइनल आंसर इज पी ए नॉट इक्वल टू टू एटी पॉइंट सेवन टॉर राइट अब फर्स्ट टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया है हमने वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए फाइंड आउट कर लिया है दैट इज टू एटी पॉइंट सेवन टॉर अब नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमने वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है सो आप लिख सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन इक्वल टू अब हमने ऊपर ही बात की थी कि पी ए जो है वो किसके इक्वल आता है पी ए नॉट इंटू एक्स ए के दैट मीनस की वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन इट्स प्योरेस्ट स्टेट इन टू इट्स मोल फ्रैक्शन सो वैल्यूज पुट कर देते हैं सो पी ए नॉट की वैल्यू हमने कितनी निकाली है टू एटी पॉइंट सेवन टॉर इंटू मोल फ्रैक्शन कितनी है लिक्विड ए की जीरो पॉइंट वन वन फोर तो जब आपने टू एटी पॉइंट सेवन को जीरो पॉइंट वन वन फोर के साथ मल्टीप्लाई किया योर आंसर इज थर्टी टू टॉर दैट इज योर फाइनल आंसर